गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे हो। और सुबह सुबह जब नींद खुल जाती है और दोबारा सो, तो उसके बाद उठने के बाद ना मज़ा नहीं आता जो एक बार नींद कंप्लीट होने के बाद आता है। तो अभी मैं दोबारा सो गया था और उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे, परेशान हो गया था यार। तो एक मग आज का और एक मग कल वाली कॉफ़ी है। तो कल मैंने वहीं चाय पी थी और वहीं पे भूल गया था, तो इसको मैं आज यहाँ पर रख देता हूँ। और मॉर्निंग की कॉफ़ी हो गई कंप्लीट। तो अभी कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया ना कि एक थर्सडे को और एक संडे को ब्लॉग दूंगा। मेरे चैनल पे 5530 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से व्यू ना के बराबर आते। तो जिनको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता या जिनको मेरी वीडियो नहीं देखनी होती है, तो वो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो। और मेरे चैनल पे 500 ही सब्सक्राइबर बचे लेकिन मुझे देखने वाले बचे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, बेसिकली दिस इज़ मंडे और सैटरडे संडे तो लॉकडाउन था, तो उसमें तो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज मंडे को एक राइड होने वाली है जो हमने प्लान करी है सिद्धार्थ के साथ। तो सिद्धार्थ वही बंदा है जो मेरे साथ PIC बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट गया था JK फेस्टिवल ऑफ स्पीड में। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो कहीं तो इधर साइड में उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाके भी देख लो और आप उसके बारे में जान जाओगे। कल मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सिद्धार्थ को मैसेज किया और हमने अचानक से प्लान बना लिया कि अभी हम राइड पे कहीं तो चलेंगे। ऐसे ही 20-25-30 किलोमीटर घूम के आएंगे लेकिन कहीं तो निकलेंगे। तो अब चलते हैं राइड पे बिना कोई देर किए हुए। तो देखो भैया, आगे बढ़ने से पहले और राइड शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अगले दिन। और जो पहली बात है वो है कि हम जा रहे हैं गुड़गांव थ्रोटल्स होटल रेस्टोरेंट। और जो दूसरी बात है कि ये बात मैं पहली वाली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे GoPro की आवाज़ है यहाँ से लेके थ्रोटल्स होटल तक हो गई है गोल। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें अभी बता दे रहा हूँ, बाकी आप राइड का एंजॉय करो। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं थ्रोटल्स होटल रेस्टोरेंट में और अभी हम उसके पीछे एक गार्डन में और उसके अंदर के सीन्स काफ़ी बेहतरीन हो रखे हैं। और देखो ये देखो डक दिख रही हैं, उधर एक पॉन्ड बना रखा है और पूरा सीन नेचुरल वाला है। और ये है सिड। सिड थोड़ा अपना चेहरा भी दिखा दो। सिड वैसे दूसरी बार हमारे ब्लॉग में आ रहा है, इसके पहले हम BIC गए थे साथ में और वो वाला ब्लॉग आप देख सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ और ये फिर से ले लो। सही है लॉकडाउन में हाँ। Thank you.
चाय आ चुकी है और हमारा पनीर पराठा आना बाकी है, तो अभी हम शुरू करते हैं चाय। अभी मास्क उतारना पड़ेगा। तो हमारी चाय और पनीर वाले पराठे ख़त्म हो गए हैं और अभी हम इस रेस्टोरेंट को देख रहे हैं क्योंकि ये पूरी बाइकर रिलेटेड एसेसरीज़, उसके नंबर प्लेट और बाइक वाला थीम है, पूरा एकदम बाइकर्स वाला थीम है, तो वो सारा एक्सप्लोर करना, वो सारा देखना काफ़ी अच्छा वाला एक्सपीरियंस होता है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे और जो भी मैंने आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाए हैं या आगे दिखाने वाला हूँ वो सारा वाकई आपको पसंद आने वाला है। मेरा पहला बार है लेकिन सिद्धार्थ इसके पहले भी आ चुका है, तो सिद्धार्थ से पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है इसका यहाँ। मैं तो सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ बट मेरे को भैया के साथ ज़्यादा मजा आ रहा है। मैं पहली बार आया तो मेरे को इतना ज़्यादा खास नहीं लगा था, बट भैया के साथ आ रहा हूँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत सब चीज़ें मेरे को मिली हैं। भैया ने बताया जैसे एक कैमरा वगैरह मैं अभी स्टार्ट किया है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भैया के साथ आके। और थैंक यू भैया। बाकी इस रेस्टोरेंट के बारे में बताओ, ये कैसा लगा तुम्हें? रेस्टोरेंट मेरे को बहुत मस्त लगा। अब सच में इतने लॉकडाउन में घर रखा पड़ा हुआ था बड़े दिनों से और अब यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को सच में अच्छा फील हो रहा है। मतलब एकदम से मतलब रीस्टार्ट होता है ना, वो हुआ है सच। तो वैसे भी हमारा प्लान अचानक से बना, करके मैंने रात को सिद्धार्थ को मैसेज किया कि कहीं राइड पे चलते हैं, कहीं चलते हैं, तो इसने सजेस्ट किया कि चलते हैं थोड़ा होटल। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, कहीं भी जाना है तो वहीं चलते हैं और एक बार एक्सप्लोर भी कर लेंगे क्योंकि मेरा पहला टाइम है, पहली बार है। तो बाकी सब बढ़िया है और यहाँ का सीन भी और बाकी सारा कुछ ज़बरदस्त। बॉयज एंड गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से थोड़ा छोटा रेस्टोरेंट से और टाइम हो गया है लगभग 10:20 हो रहे हैं और धूप नहीं है, बादल हैं और बारिश भी नहीं है। तो ये रहा मौसम का हालचाल और ये सामने रहा आपके रोड का हालचाल। ट्रैफिक भी उतनी दिख नहीं रही है, हो सकता है कि हम जिस रूट पे जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं उधर उतनी ट्रैफिक ना हो, बाकी इस साइड में तो ट्रैफिक काफ़ी मूव कर रही है। और ये संग मेरे सिद्धार्थ है, चलो आगे सिद्धार्थ। तो अभी हम GFR होते हुए और नोएडा होते हुए निकलेंगे, लेकिन इधर बदबू बहुत बुरी सी आ रही है यार, पता नहीं किस चीज़ की। तो ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, GFR कहते हैं शॉर्ट में इसे, और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे ब्लॉग मैंने देखे हैं और आज फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ मैं इस रोड पर। देखते हैं क्या है इसके जलवे। और इस रोड पे शायद एक हनुमान जी की बड़ी सी स्टैचू है जहाँ पे ढेर सारे बाइकर्स फोटोज पोस्ट करते हैं, तो अगर हमें मिली तो हम भी रुक के फोटोज जरूर निकालेंगे उस जगह की। और ये रहा कूड़े का पहाड़, बाप रे। ये तो बहुत बुरी चीज है और शायद इसी चीज की बदबू भी आ रही थी। तो रोड वाकई में काफ़ी अच्छा है, घुमादार रास्ते हैं, घुमावदार रास्ते हैं, टर्न्स हैं, तो हर बार इधर उधर टर्न्स लेने में ना काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी मज़ा आता है। तो इस पॉइंट पर हम GFR को छोड़ रहे हैं और ये पाली रोड है, पाली रोड आई डोंट नो, बस चलो।
रोड तो सही है लेकिन पता है ना इंडिया में कमी नहीं है, जहाँ पे सिंगल लेन जहाँ पे डिवाइडर ना हो तो वो पूरा यहाँ तक आ जाएंगे ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि उनके पास अकल नहीं है। अकल होती तो इतना एक्सीडेंट ही नहीं होता इंडिया में। पिछले 6-7 किलोमीटर से इस रोड पे इतनी ट्रैफिक चल रही है, इतनी ट्रैफिक चल रही है कि हमारी स्पीड 40 के भी ऊपर नहीं जा पा रही है, तो ऐसा कुछ हाल हो रखा है। और ये ग्रीन नंबर प्लेट मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और आगे भी देख सकते हो कि पूरी रेड रेड लाइनें दिखा रही हैं, तो आगे भी यही होने वाला है ट्रैफिक का हाल जो हमें कर रहा है बेहाल। वाह वाह क्या बात है। तो भैया राइड हो गई अभी ख़त्म, और अभी मैं घर भी आ गया हूँ, नहा भी लिया हूँ और मेरा लंच भी हो गया है। तो सिड अपने घर जा चुका है और मैं अपने घर आ चुका हूँ, और आज जो बाइक राइड करके मज़ा आया ना, उसको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं कितना मज़ा आया। मैंने और सिड ने ताबड़तोड़ बाइक आज चलाई और काफ़ी इन्जॉय किया। और बात करें छोटा छोटा रेस्टोरेंट की, तो 5 में से अगर मुझे पॉइंट देने होंगे तो खाने के लिए मैं दूंगा केवल 2 पॉइंट, और वहाँ के एम्बियंस इंटीरियर डेकोरेशन के लिए मैं दूंगा 3 पॉइंट। तो भैया इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप देख रहे हो तो मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया है। तो आपको अगला काम करना क्या है, यू नो द ड्रिल, लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।